हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसवी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे हैं। तो ये वीडियो वैसे डालनी तो मुझे कल थी, लेकिन मैं कल कोई वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी क्रिएटर्स, मतलब मैं तो अभी शुरू में नई नई आई हूँ, लेकिन जितने भी क्रिएटर्स हैं, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं या कोई भी हैं, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी के मन में कोई गलतफहमी रहे, या फिर कोई मेरे को लेके कुछ मतलब ऐसे भावना बनाए कि यार ये हमारे लिए गलत बोल रही है। क्योंकि देखो, ये सोशल मीडिया है, सबको यहाँ कहने का अधिकार होता है, अपनी बात रखने का अधिकार होता है। तो मेरे लिए भी अगर कोई कुछ कहता है तो उसे भी अधिकार है ना। लेकिन चीज़ें थोड़ी लिमिट में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं किसी के लिए बोलती हूँ, तो मैंने सोशल मीडिया से ही सीखा है कि लिमिट में बोलना। तो परसों की रात में, आई थिंक शाम की, एक लाइव थी जहाँ पे सरिता दरक जी हैं, तो उनकी लाइव में उनके हस्बैंड ने कहा, डॉक्टर रेखा जी ये बोलती हैं कि बहुत चिल्लाती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ और बहुत रेस्पेक्टफुली बना रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप लोग कोई भी गलतफहमी में हो कि मैंने आपके अगेंस्ट में बोला। मैंने सिर्फ एक अपना कहते हैं ना कि ओपिनियन रखा आप लोगों के लिए। तो यही था कि उस टाइम आप में और बहुत सारे, मतलब आपके और यूट्यूबर फैमिली है, तो उन लोगों में, आप लोगों में सब में मतभेद चल रहे थे और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चल रहे थे। तो उस टाइम मैंने देखा था और कई चीज़ों के लेके, और नेहा सचिन जी के लिए भी आप लोगों के यहाँ से कुछ हुआ, उनके यहाँ से भी कुछ हुआ। तो मेरे को इन चीज़ों में कुछ भी लेना देना नहीं है, ना पढ़ना है इन चीज़ों में, बट मैं सिर्फ, लेकिन एक सिंगल मॉम की जर्नी क्या होती है, एक अकेली माँ की जर्नी क्या होती है, मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो रही बात उनके साथ चलने की, तो मैं नेहा जी के लिए हमेशा उनके लिए स्टैंड लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वो जिस तरीके से अपनी बच्ची को पाला है, जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। तो इसी बारे में मैं आप सब लोगों से बात करना चाहती हूँ। तो नेहा के लिए मैं हमेशा चाहती हूँ वो आगे बढ़े, खुश रहे, और वो अब नई ज़िंदगी स्टार्ट करने वाली है। तो सबको यही कहूँगी यार, कोई बद्दुआ मत लो। उनकी मम्मी की भी जिस तरीके से गुस्से में वो बोल रही थी, वो भी देखा था। लाइक मेरी मम्मी ने, जैसे मेरी मम्मी की भी एक ऑडियो वायरल हुई थी, तो मेरी मम्मी ने भी यही गुस्से में बोला था, क्योंकि वहाँ उनका दामाद उनकी बेटी से बोल रहा था कि तू शादी क्यों नहीं कर लेती। तो उस चीज़ का जवाब मेरी मम्मी ने अपने दामाद को दिया था। तो हमारे घरों में क्या हो रहा है, हमसे बेटर कोई नहीं जानता। तो मैं आप सभी लोगों को सिर्फ एक छोटी समझ लीजिए या बड़ी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, एक ही एडवाइस दूंगी कि नेहा की लाइफ, राहों में ना कांटे बिछाओ मत यार तुम लोग, है ना। ये सरिता जी के लिए नहीं है, सबके लिए है, सबके लिए। उनको विश दो यार, विश दो, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को, फर्स्ट ऑफ ऑल वो शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, उसके भाई ने, माँ बाप ने, संगी साथियों ने, सब ने राजी किया, तब जाके वो तैयार हुई। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी इन्हीं चीज़ों से जूझ रहे हैं, मैं भी कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से जूझ रही हूँ, इसलिए सिंगल मॉम्स हैं उनके लिए मैं खड़ी हुई हूँ। और कोई उनके लिए बोले, और रही बात नेहा के लिए बोलने का, तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आप लोग मत बोलिए, क्योंकि नेहा को तो मैं शुरू से ही फॉलो करती हूँ, शुरू से ही। इवन वो किसी चीज़ का बताती हैं कि ये चीज़ अच्छा, वो चीज़ अच्छा, मेरी पूरी फैमिली उनके ब्लॉग देखती है। मेरी भाभी जब उसने एंगेजमेंट करी, लिटरली उनकी आंखों में खुशी के आंसू आंसू थे। तो मैं सबको बस एक ही चीज़ हाथ जोड़ के यही बोलना चाहूँगी कि देखो, आप लोग नियति साफ रखो तो आप लोगों की चीज़ होंगी। और हाँ, यहाँ पे सरिता जेठू दरक जी के लिए आप लोग मायूस ना हो, है ना। मैंने देखा कि आप लोग कहते व्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं हो, लेकिन आप लोग श्याम बाबा के भक्त हैं, मैं बस इतना जानती हूँ। तो मैंने वो आप लोगों के अगेंस्ट में नहीं बोला,
ठीक है, बस एक मैंने अपनी ओपिनियन रखी कि किसी को फालतू में शो आउट करने की क्या ज़रूरत है। जो बैड कमेंट्स करते हैं आप लोगों की वीडियो पे, उनको चीख चीख के बोलने की ज़रूरत क्या है। मैंने ये सब कुछ बोला, आप लोग इसको पॉजिटिव वे में लेके जाए, नेगेटिव वे में नहीं लेके जाए। मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ और थैंक यू। मतलब मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें हैं ना, जैसे आप लोगों ने रखी कि डॉक्टर रेखा जी ये बोल रहे, मतलब अपनी अपनी चीज़ें बड़े रेस्पेक्टफुली लोग रखेंगे ना, तो लोग सोशल मीडिया का जो इन्वायरमेंट है वो और अच्छा होता जाएगा। क्योंकि अभी बहुत सारी फाइट्स चल रही हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही हैं। और रही बात व्यूज़ की, कहते हैं लोग, तो देखो व्यूज़ कौन नहीं ले रहा, पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, सब लोग। ये 100% मतलब मैं सत्य बोल रही हूँ कि जो भी YouTube पर है उसका यही सबका सपना है कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो, अच्छे व्यूज़ आए, हम लोग अच्छा पैसा कमाएं। और कई चैनल थोड़े गर्दिशों में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हमें कभी भी अपने आप को मतलब ये डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहिए कि यार ऐसा हो रहा है। एक दिन आएगा फिर वापस आप उठोगे, एक दिन आएगा फिर वापस आप सब सबके दिलों पे छाओगे। क्योंकि देखो ये माता सरस्वती माँ का एक वो आशीर्वाद होता है सब पे। तो जैसे माँ बाप हमेशा अपने बच्चे के लिए प्यार रखते ना, ऐसे ही वो भी सबके लिए अपने लिए प्यार रखती हैं। तो आप घबराओ मत, और आप लोगों को बस यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ कंट्रोवर्सी से दूर रहो और नेहा के साथ प्लीज़ खड़े रहो। ठीक है, किसी उन्होंने आपको नहीं बुलाया, कुछ नहीं, देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अपने फंक्शन में बुलाओ, लेकिन अच्छी भावनाएं रखो उसके लिए। जैसे छोटा भाई बहन, घर में शादी होती है ना छोटे भाई बहन की, तो बड़े भाई बहन का यही फर्ज बनता है कि कोई भी कंट्रोवर्सी चल रही है, फैमिली में भी होती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे ही कंट्रोवर्सी होती है, फैमिली में भी कंट्रोवर्सी होती है। कई लोग नाराज हो जाते हैं, शादी में नहीं आते तो बड़े लोग ही उनको मना के लाते हैं ना। तो शादी का टाइम है इस टाइम उस घर का, उनको अच्छे से शॉपिंग करने दो, सबको यही कहूँगी। और जितने भी रिएक्शन चैनल हैं वो लोग भी देखो, इतनी सारी वीडियोस ऐसे मत बनाओ, पॉजिटिव वे में बताओ, बनाओ यार। मतलब उनके हस्बैंड की चीज़ें देख के इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो आप लोग, वो दूसरी फैमिली है, नई फैमिली है, यूँ समझ लीजिए। आप लोग कहते हैं ना वाइटी फैमिली, वाइटी फैमिली, तो क्या एक फैमिली का यही होता है कि किसी फैमिली मेम्बर की शादी और शादी में इस तरह की अड़चने पैदा करना? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो किसी को बुलाएं या ना बुलाएं, उन्हें अपने घर पे बैठ के दुआएं दीजिए आप सब लोग। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के बस यही विनती है, क्योंकि मैं मेरे चैनल के माध्यम से पॉजिटिविटी फैलाना चाहती हूँ। देखो कोशिश यही है और कर भी रही हूँ। बाकी आप सब लोग हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स मेरे साथ बनाए रखिएगा, और नेहा के लिए हमेशा ब्लेसिंग्स दीजिए। और सरिता जेठू दरक जी, वो चीज़ें, मतलब मैं तो आपका पूरा नाम भी नहीं जानती, क्योंकि आप श्याम भक्त हैं, तो जितने भी आप श्याम जी के फंक्शंस कराते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, मैं उन्हें देखती हूँ, आप बस लेके गए, तो मैं आप लोगों की भी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन हाँ, नेहा के खिलाफ़ चीज़ें करी जाएंगी तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ, ये मैं आप लोगों को सबको साफ करना चाहती हूँ। क्योंकि वो यार अकेली औरत है, उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत कुछ बर्दाश्त किया। मैं अपनी पूरी लाइफ दिखाने लगूंगी ना आप लोगों को कि मैं सुबह उठ के और रात को सोते टाइम मैं किन किन चीज़ों से सफ़र करती हूँ, सब्जी मंडी में कैसे जाती हूँ, घर के काम कैसे करती हूँ, प्लस अपना काम कैसे संभालती हूँ, यूट्यूब को कैसे संभालती हूँ। बेटी की तबीयत ख़राब होती है तो सबको रोना आ जाएगा। तो हर कोई इंसान कहीं ना कहीं यार परीक्षा दे रहा है। और सोशल मीडिया पे जितनी भी कंट्रोवर्सी होती है, मैं उन लेडीज़ को बोलना चाहूँगी, बहुत सारी ये लेडीज़ ऐसी होती है कि पहले से लड़ाई तो खुद कर जाएंगी, है ना, कुछ जवाब देने का टाइम आता है ना तो हस्बैंड को साथ में बिठा के जवाब देती हैं। तो यार आप क्या शो करना चाहती हो जिनके हस्बैंड जिनके साथ नहीं हैं, कुछ हो गया है, लड़ाई चल रही है या किसी की डेथ हो चुकी है, तो ऐसे में लड़ाई आपने स्टार्ट की है, सारी जनानियों के बीच की लड़ाई है, तो जनानियाँ ही करें, उनके हस्बैंड ना आए। मैं सबको यही मैं कहना चाहती हूँ। और वंस अगेन पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी को फैलाएं, श्याम बाबा का नाम लें। आज सितारे गर्दिश में हैं तो क्या हुआ, एक दिन हम ज़रूर चमकेंगे, बस इसी के साथ। और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने काफ़ी टाइम से कुकू को नहीं दिखाया, तो कुकू सो रही है, कुकू
को वायरल हुआ है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। आज शाम को मैं उसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, और बहुत दिनों से वो मेला देखने की कह रही है, तो मे भी हो सकता है आज मैं उसको मेला भी दिखाने ले जाऊं। तो हमेशा ऐसी पॉजिटिविटी को रखिएगा, और एक सपना ही नहीं है, जितनी भी यूट्यूब पे है, मैं जो जो लेडीज़ जिनके चैनल भी मोनेटाइज नहीं है ना, तो उनकी भी हेल्प करती हूँ मैं, इंस्टाग्राम पे बात करती हूँ। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप एक सपना ही सपना की स्टोरी मेरी फैमिली की स्टोरी है, और उस स्टोरी में सपना को कितना कल्पित बनाया जा रहा है ना, वो मैं जानती हूँ। सपना कहीं पे भी गलत नहीं है, उसे अपनी बच्चियों के लिए जीना था, अपनी बच्चियों के लिए खड़े होना था, इसलिए उसने घर छोड़ा है। आप लोग गंदे गंदे कमेंट्स किसी को ना करें, क्योंकि जो अकेली औरत के मुंह से बद्दुआ निकलती है ना, वो बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वही जानती है वो रात में कितना रो के सोती है। बच्चे जब बीमार होते हैं, पापा पापा करते हैं, उस शब्द को सुन के वो कितना रोती है ना, आप लोग कोई नहीं जानते। यहाँ यूट्यूब पे बस सोशल मीडिया है, हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ों से आपको अवगत कराते हैं, अपनी खुशियों से, एक हैप्पीनेस फेस के साथ, लेकिन आपको किसी को नहीं पता कि कितना फील करते हैं, कितना उस चीज़ को, उस चीज़ से फाइट करते हैं, झगड़ते हैं हर चीज़ से। तो आप लोग प्लीज़ किसी की भी बद्दुआ नहीं लें, और नेहा की मम्मी ने जो कहा है ना, सीरियसली गाइस, वो दिल से कहा है, तो आप किसी की बद्दुआ नहीं है। उनकी बेटी का घर बसने जा रहा है वापस, है ना, तो वो उस घर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग गंदी गंदी वीडियोस मत बनाओ, बनानी है तो यार पॉजिटिव वे में बनाओ ना, वो मना नहीं कर रही, उसको और अच्छा लग रहा है कोई भी उसके लिए पॉजिटिव वीडियो बना रहा है। तो आप लोग कोई भी, मैं यही कहूँगी, यही समझ लीजिए कि आपकी बहन की शादी है, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा हो तो पूरा हिंदुस्तान सुन ले कि आपकी बहन की शादी है। क्या बहन की शादी में ऐसे ड्रामे करते हैं कुछ लोग? तो जो भी ड्रामे कर रहा हो ना, उसे रोकिए मेरी तरह, और हमेशा लोगों के लिए अच्छी भावनाएं रखो, दुआएं दो, और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को शादी में बुलाया जाए। लाइट चली गई है मेरे रूम की, क्या पूरी भरतपुर की गई होगी, तब गई है। तो गाइस, हमेशा आप लोग अच्छी चीज़ें सोचिए, और हमेशा प्यार में रहिए, प्यार को बांटिए, तो देखिए अंदर से कितनी अच्छी खुशी मिलेगी। और एक वीडियो बनाने के बाद अगर 2,000-3,000 व्यूज़ भी आते हैं ना, तो कम से कम चैन की नींद तो आएगी, है ना। अभी ठीक है, नहीं आ रहे व्यूज़, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि व्यूज़ भी आएंगे और लोग आपको अच्छा भी मानेंगे। तो इसलिए अच्छे वेज में हमेशा वीडियो बनाइए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, लव यू, एंड जय श्री श्याम बाबा।